यादव सिलाई क्लासेस में आपका वेलकम। आज हम ऐसा डोरमेट बनाएंगे, इसको डोरमेट की जगह भी यूज कर सकते हैं, थालपोश की जगह भी यूज कर सकते हैं, और आप टेबल पर रख के कोई भी फ्लावर रख सकते हैं। अरे बहुत ही सुंदर लगेगा ये हमारा। देखिए झालर में इसको कली जैसा डिजाइन आया है, जैसे गुलाब की कली है उस तरह से हमारा इसका डिजाइन आया है। ये हमारा जैसे इसमें 8 कलर लगे हैं झालर में, और इसके अंदर हम 9 कलर लगाए हैं। तो ये हमारे जैसे बच जाती हूँ, थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है, उसी से हमने ये पूरा बनाया है। तो इसका बनाना बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। बीच में हमारा जैसे इतना कठिन नहीं है, झल्लर में थोड़ा समझना है। एक बार झल्लर समझ में आई तो आप इसको पूरा बना सकते हैं। और ये हमारा 5 नंबर क्रोशिया है, बारीक वाला मोती वाला क्रोशिया बोलते हैं, उसी से हमने बनाया है। तो इसका बनाने के लिए हमने यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ से हम 7 चैन लेंगे और फिर हम इसमें डबल क्रोशिया से करके 7 बार ये बनाएंगे। तो देखिए ऐसे करके हम ऐसे लेंगे, ऐसे हमारी नोट लग गई। उसके बाद हम इसमें 7 चैन लेते हैं। ये हमारी 7 चैन होगी, जो हमारी फर्स्ट चैन है उसके अंदर डाल के और हम वापिस से निकाल लेंगे। ये देखिए ये हमारा गोल सर्कल होगा। अब सर्कल को भरने के लिए हमने जैसे हमने ये 7 बनाएंगे, इसमें जैसे 7 डबल क्रोशिया से ये पॉइंट बनाए, तो इसके लिए हमने ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा के और डबल क्रोशिया करेंगे और 2 बार ऐसे निकालेंगे इसके बराबर से। एक बार होगा फिर डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसको ये 2 बार होगा। अब इसको हम ऐसे बंद करते हैं। ये देखिए सी डबल क्रोशिया सी एक हमारी। अब दूसरा हम ऐसे लेंगे फिर और फिर इसके अंदर डालेंगे और फिर वापस लाएंगे। और ये हमारे देश 3 फंदे हो गए। अब इनको यहीं रोकेंगे ऐसे उंगली से, और दूसरी बार फिर डबल क्रोशिया करके और फिर इसके अंदर डाल के और फिर वापस लाएंगे। ये देखिए 2 बार डबल क्रोशिया सी। बुनना नहीं है, सिर्फ ऊपर से आपको ऐसे बढ़ाना है, जितना भी साइज लंबा करना है। अब हम इसको लेके और दोनों को ऐसे बंद कर दें। ये देखिए अब ऐसे ही हम 7 बार करेंगे। ऐसे लेंगे डबल क्रोशिया, ऐसे डालेंगे, वापिस इसी के अंदर निकाल के ऐसे बढ़ाएंगे, इनके बराबर करेंगे, फिर ऐसे लेंगे और फिर वापिस ऐसे लेके और ऐसे बढ़ाएंगे। ये हमारा 2 हो गए, दोनों को एक साथ ऐसे करके बंद कर देंगे। ये देखिए 3 हो गए हमारे जैसे। अब इसी में 7 करेंगे। देखिए 7 हमारे पूरे हो गए। अब हम ये कलर लेंगे, इसमें ये कलर चेंज किया है, ये दूसरा कलर लेंगे। अब जैसे अब ये हमारा है बीच में, 7 का बीच में एक एक होल है, इसमें हम डबल करके बनाएंगे। 7 से हम 14 बनाएंगे। तो ये कलर लेंगे, ये देखिए दूसरा कलर हमने शुरू कर दिया। ऐसे लेना है और बीच में एक चैन लेनी है, जैसे यहाँ एक चैन लिया, फिर ऐसे लेना है, फिर इन दोनों का बीच से ऐसे डालेंगे और ऊपर ऐसे लाएंगे, फिर इसको ऐसे रखेंगे, दूसरी बार फिर ऐसे डालेंगे
और फिर ऊपर लाएंगे। तो ऐसे लिया के फिर इसको ऐसे लिया के बंद कर देंगे, ये बंद होगा। अब एक में दो करना है, जैसे एक में दो बनाने, अब फिर ऐसे इसी में बनाएंगे, सात थे हम इसका 14 करेंगे। और फिर अगले जाएंगे तो यहाँ से हम एक चैन ले लेंगे, फिर अगला होल है इसमें, इसमें फिर डबल क्रोशिया से दो बार बनाएंगे, एक ये दो, और फिर दोनों को ऐसे बंद कर देंगे। तो ये चक्कर ऐसे आएगा, तो यह डबल का एक चक्कर है और डबल का दो और यह तीन, ये तीन चक्कर हम डबल डबल एक में डबल डबल बना के तीन चक्कर बनाते हैं। इसके बाद हमारा ये सिंगल सिंगल आएगा, और ये देखिए यहाँ से हमारा जैसे इसमें है डबल, फिर अगले वाले में डबल है, ऐसे ये डबल डबल है एक में, और फिर सभी में सिंगल सिंगल है। फिर हम सिंगल की एक दो तीन चार पांच लाइन हम सिंगल सिंगल की बनाएंगे, और ये हमारी चार लाइन है। तो ये डबल डबल की हम चार पूरी करते हैं, सिर्फ ऐसे ही बनाना है, एक चैन बीच में लेना है, और जैसे ये अगला होल है इसके अंदर डाल के डबल क्रोशिया सी, और ऐसे बढ़ाना है जितना भी आपको लंबा करना है, इसको फिर ऐसे रोकना है, और फिर दोबारा डबल क्रोशिया करके आपको तीन बार भी कर सकते हैं, आपकी ऊन ज़्यादा बारीक है तो चार बार भी कर सकते हैं ऐसे करके। ये देखिए इनमें हमने डबल डबल किया, और ये हमारा जैसे इनमें हमें इसमें डबल किया है, बीच में छोड़ दिया है, फिर जो हमने डबल किया था इसी में हमने डबल किया है। और अब ये लाइन आई है हमारी, ये इसमें भी डबल किया है, बीच में हमारी ये जगह है इसमें भी डबल किया है, फिर इसमें भी डबल किया है, सभी में डबल डबल किया है। तो इसलिए तो ये लाइन हमारी यहाँ तक, अब हम इसको ज्वाइंट कर देंगे, और फिर हम बनाएंगे सिंगल सिंगल, सभी में सिंगल, इसमें भी सिंगल, इसमें भी, सभी में सिंगल सिंगल निकालेंगे। अब बंद कर दिया, अब हम लेंगे वाइट कलर और सभी में सिंगल सिंगल लाइन बनाएंगे, और फिर सिंगल सिंगल बनाएंगे। तो यहाँ तक हम सिंगल सिंगल बनाते हैं। ये देखिए ये हमने बीच का ये राउंड बना लिया है, लास्ट में ये लाइन जिसे हमने इसमें तो जैसे धागे को खींच खींच के तीन तीन बार चार चार बार लिया है, और यहाँ हम लास्ट वाली में चैन दी है, तीन तीन चैन दी है। देख बताते हैं, जैसे दो चैन होगी, ऐसे डबल क्रोशिया किया और ऐसे निकाल लिया, ये तीन फंदे हो गए, और फिर दो को एक साथ निकाल दिया और दो को एक साथ, ये हमारी ये चैन बन गई। अब हम बीच में एक सिंगल चैन लेंगे, उसके बाद फिर हम इसमें डबल क्रोशिया करके और चैन बनाएंगे, दो फंदा निकाला और फिर दो निकाला, ये एक चैन होगी। फिर हम इसमें ऐसे ही तीन तीन चैन लिए, दो हो गई और ये तीन हो गए। अब हम इसमें ज्वाइंट कर देंगे, ऐसे लिया और दोनों को एक साथ बोल लिया, ये हमारा बीच का राउंड बन गया, जैसे ये इसका बीच का राउंड है। अब हम इसमें साइड में 20-20 चैन लेंगे, और एक में इसमें हर में डाल लेंगे, ये देखिए 20 चैन लेंगे, 20 चैन ऐसे ली फिर इसमें डाल दिया, फिर 20 चैन ऐसे ली फिर इसमें डाल दिया, ऐसे ही हमारा चारों तरफ चैन लेंगे पहले सिंगल सिंगल। ऐसे लेंगे एक दो तीन, ऐसे सिंगल चैन हम 20 लेते हैं,
ये हमारी 20 चैन होगी। अब हम इसमें अगले वाले में डाल लें, जैसे ये होल है ये, जिससे इससे हमने शुरू किया, इसमें डाल के और ऐसे वापिस निकाल लें। अब फिर हम यहाँ से जो हमारी ये चैन है इसी के अंदर डालते हुए हम 5 चैन तक डालेंगे और फिर हम आगे से 15 चैन शुरू करें। जैसे इसी के अंदर ऐसे डालेंगे, अलग से नहीं लेंगे, और इसी के अंदर ऐसे डालेंगे और वापिस निकाल लेंगे। डाल दिया, फिर आगे ऐसे डाल के और 5 चैन हम इसी के अंदर बुन लेंगे। ये हमारी 5 चैन होगी, इसी के अंदर डालते हुए यहाँ तक आ गए। अब हम इसमें शुरू में हमने जैसे 20 चैन ली थी और यहाँ हमने ज्वाइंट कर दिया। अब यहाँ से हम 5 चैन इसी के अंदर डाल दिया और आगे हम 15 चैन ले लेंगे, सिंगल 15 चैन लेंगे। फिर 15 चैन लेके और इसके अंदर डालेंगे, और जैसे हमने यहाँ से इसी के अंदर 5 चैन डाली, ऐसे उसी में भी उसी के अंदर 5 चैन डालेंगे और 15 आगे लेंगे। ऐसे हम यह पूरा राउंड करते हैं, 15 15 चैन लेंगे, 5 इसके अंदर ऐसे डालेंगे डबल डबल। तो हम ऐसे जैसे ये किया है ऐसे ही करते हैं। ये हमने चैन पूरी कर ली, अब हम इसके झालर बनाएंगे। तो झालर बनाने के लिए हम इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। देखिए अभी हमारा ब्लैक कलर था, कोई भी कलर आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और दो दो लाइन बनानी है, एक कलर की दो लाइन बनानी है, फिर दूसरा कलर लगाना है, फिर दो लाइन बनानी है, फिर दूसरा कलर, दो दो लाइन बना के कलर चेंज करना है। खाली चेन में ऐसे डालना है सिंगल क्रोशिया और फिर ऐसे फंदे को बना के ऐसे वापस लाना है। दो फंदे हो गए, दोनों को एक साथ निकालना है। देखिए सिंगल सिंगल क्रोशिया से यहाँ तक बना लिया। अब हमारा यह जैसे चैन ये बनाई है हमारी डबल चैन में, यहाँ हमें 3 फंदे एक में ही निकालने, जैसे एक ही चैन में डालेंगे और 3 बार सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे। एक बार हुआ फिर इसी के अंदर डालेंगे। और फिर इसी के अंदर डालें। ये 3 बार होगा, फिर ऐसे ही जैसे हमने पहले बनाई सिंगल क्रोशिया ऐसे ही बनाना है। फिर यहाँ आने के बाद फिर एक में 3 बार सिंगल क्रोशिया से बनाएंगे।
देखिए यहाँ से यहाँ तक हम सिंगल सिंगल क्रोशिया से बनाया है। सिंगल क्रोशिया से दो फंदे होने के बाद दोनों को एक साथ निकाला है। अब ये हमारी चैन है, ये चैन यहाँ से इस चैन पर आने के बाद हम एक में तीन बार निकालेंगे डबल क्रोशिया से, ऐसे दो फंदे हो गए और दोनों को एक साथ निकाल दें। फिर इसी के अंदर दो बार और निकालेंगे, ये तीन बार हो गया। फिर एक चैन पाने के बाद फिर सिंगल क्रोशिया से ऐसे एक एक बार निकालें, ऐसे दो फंदे हो गए, दोनों को एक साथ बुन लिया। ऐसे बनता हुआ जाएगा। ही इस चैन पाने के बाद एक में तीन बार निकालना है और खाली चैन में से सिंगल सिंगल क्रोशिया से एक एक बार बुनना है। ऐसे ही हमारी चैन बनती हुई जाएगी और ये ऐसे घेरदार बनेगी। दो लाइन एक कलर से निकालेंगे, फिर दो एक कलर से, फिर दो एक। इसमें जितना भी आपको जैसे बड़ी करनी है, आपको जितनी लाइन बढ़ानी है वो बढ़ा सकते हैं, जितने कलर लगाने इसमें लगा सकते हैं। ये इसमें हम सात कलर लगाए, ये सात कलर, और ये हमारा ब्लैक वाला चैन वाला आठ कलर हो गए। तो हमारी दो दो लाइन बनाई, तो ऐसे ही जनरल बनती हुई जाएगी। तो देखिए ऐसे ही हम इसको पूरा करेंगे। वैसे बहुत ही सिंपल है ऐसे बनाना, बस सिर्फ सिंगल सिंगल क्रोशिया से यहाँ से यहाँ तक बनाना है और ये चैन के ऊपर आने के बाद एक में तीन फंदे निकालने। देखिए एक में यहाँ तीन तीन निकालेंगे तो ये हमारा घेर बढ़ेगा, ये देखिए, और ये ऐसे फोल्ड होता जाएगा, फिर बढ़ता जाएगा, तब ऐसे बढ़ेगा ही। फिर भी समझ में नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अभी ज़्यादा पूरा बनाएंगे तो बड़ा होगा वीडियो, तो आप इसमें एक लाइन बताने से आपको समझ में आएगा और पूरी झलर हमारी ऐसे ही बनेगी। तो आज का वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।